सो है डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर के बारे में। ये जो आपका चैप्टर है ये है केमिस्ट्री से। तो केमिकल रिएक्शन जब आपके दिमाग में आता है तो मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कोई दो चीज़ें रिएक्ट कर रहे हैं और शायद कोई एक्सप्लोजन होगा। नहीं, हर केमिकल रिएक्शन में एक्सप्लोजन नहीं होती है। ये केमिकल रिएक्शन आपको एक नई चीज़ दे देते हैं। केमिकल रिएक्शन में होता क्या, दो चीज़ें कंबाइन करती हैं और आपको एक नई चीज़ मिलती है। अगर आप चाय की बात करें, टी के केस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आप सोचेंगे केमिकल रिएक्शन कैसा, इसमें क्या कर रहे हो आप, सबसे पहले पानी, आपकी टी लीव्स हो गए, साथ में शुगर होगी एंड योर मिल्क, इन चीज़ों को आप कंबाइन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। और वो न्यू सब्सटेंस क्या होता है, आपका टी। तो ये क्या हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, इक्वेशन एक तरह का इसका प्रेजेंटेशन का तरीका है, जिस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हो, तो दैट इज़ योर इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कैसी प्रोसेस है जिसमें जो नोन सब्सटेंसेस, आपको पता है कौन सी चीज़ कंबाइन कर रही है और जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो दो नोन चीज़ें जो जिसके बारे में आपको पता है ये कौन सी हैं, वो रिएक्ट करती हैं ताकि वो एक नया सब्सटेंस बना सके। अब ये जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो दो चीज़ें कंबाइन की हैं, नोन चीज़ें जो टू और मोर, तो उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल दी गई है आपको, हाइड्रोजन और वाटर कंबाइन कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन करती हैं तो ये क्या बना देती है आपकी, वाटर, ठीक है। तो इस केस में वाटर आपका प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। आगे क्या है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये बेसिकली आपके दो रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब जो जिंक सल्फेट है वो आपका प्रोडक्ट होता है एंड हाइड्रोजन इज योर ऑल्सो योर प्रोडक्ट। आगे चलते केमिकल इक्वेशन की, और केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं आप, इसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप इसके पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक, तो इसको हम केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे CH4 होता है आपका मीथेन, अगर आपको याद हो तो आपने पेट्रोलियम वाले चैप्टर में किया है रिसेंटली। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका वाटर और ये आपकी हीट। तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल फॉर्म में, उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंसिंग में क्या किया जाता है, ये आपकी एक स्टेटमेंट है जैसे। तो इसमें अगर आप देखें दोनों तरफ देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम है, ठीक है, तो हम ये करते हैं इस तरह से, क्या करते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट साइड का टेबल बना लेते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट साइड का। यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट के नीचे उसका नाम, जैसे CHO अवेलेबल है तो हमने तीनों का नाम लिख लिया है, और दूसरे में भी सेम करते हैं एलिमेंट्स का नाम CHO, और आगे आ जाता है आपका नंबर ऑफ एटम्स। तो अब नंबर ऑफ एटम्स में सी के काउंट किए जाते हैं रिएक्टेंट साइड पे, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, तो सी एक अवेलेबल आपने लिख दिया। दूसरी तरफ देखते हैं सी एक है, चलो ये आपका सी तो भी बैलेंस्ड है, ठीक है। फिर दूसरा H देखा जाता है, H के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 4 था, अब H के दूसरी तरफ भी कैलकुलेट किए जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 था, ठीक है। आगे ऑक्सीजन के देखे जाते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे अगर आप देखें इसके पैरों में 2 लिखा है, इसका मतलब है 2, और साथ ही साथ ये इसके आगे एक और 2 है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगी, 2×2 हो गए, आपको 4 दे देता है। तो आपके ऑक्सीजन आइटम्स भी कितने होंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन आइटम्स मिल रहे हैं इस पोजीशन पे, और यहाँ पे भी आपको 2 मिल रहे हैं। 2 कैसे, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 2H2O के साथ, तो H के साथ तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, अब ये O के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको 2O2 मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है, आगे बात करनी शुरू करते हैं। इससे आपको पता चलता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों तरफ सेम हो, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो आगे चलते हैं आपका, तो जो रूल्स है बैलेंसिंग करने के लिए वो क्या है, कि जो एक्चुअल केमिकल चेंज है, ये आपको एक एक्चुअल केमिकल चेंज देता है जो हो रहा है, कि मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रही है कि लिक्विड टू सॉलिड, तो ये सब चीज़ें। आगे इसमें आपको सिंबल्स और फॉर्मूला जो है प्रॉपरली लिखने पड़ते हैं, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे। कहते हैं अगर आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2 या फिर 2 से ज़्यादा हैं तो आपने उन दोनों के बीच में प्लस साइन डालना है। अगर आप ऊपर देखें ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपके 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो आपने इसमें क्या डाला है, प्लस साइन, अगर आप देखें तो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन।
तो आगे क्या है, कहते हैं कि अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें आपको जैसे ये राइट हैंड साइड की ओर जाना है, राइट हैंड साइड से पहले आपने एक एरो डालना है राइट हैंड साइड की ओर फेस करता हुआ है। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो है जो राइट हैंड साइड की ओर आपका फेस कर रहा है इस तरह से, ठीक है। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एटम्स हैं एलिमेंट के वो दोनों तरफ सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जितने भी इन्वॉल्व होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है हमें केमिकल रिएक्शन से उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला के बारे में पता चलता है, एलिमेंट के सिंबल के बारे में, नेम के बारे में, उसकी फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है लिक्विड है क्या गैस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। फिर जो आप नंबर ऑफ एटम्स हैं जो और मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, उनके नंबर के बारे में, रिलेटिव नंबर के बारे में। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पे टी आएगा आपका, प्रोडक्ट्स जो बने हैं उसका नंबर पता चलता है। आगे आपको रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पता चलती है टू द प्रोडक्ट, और साथ ही साथ आपको रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट पता चलती है, और रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट और एंड एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है आपके केमिकल इक्वेशन से। तो लिमिटेशन क्या है आपकी केमिकल इक्वेशन की उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी लिमिटेशन अब देखेंगे, लिमिटेशन में क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, मतलब कि ये डेंस है मतलब गाढ़ा है पतला है क्या है, इसके बारे में आपको नहीं पता चल पाता है। आगे क्या है, कितना टाइम लग रहा है एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में वो भी नहीं पता चल पाता आपको, मतलब उसको 10 दिन लग रहे हैं 50 दिन लग रहे हैं या फिर एक घंटा लग रहा है या फिर एक मिनट लग रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, रेट मतलब उसकी स्पीड क्या है रिएक्शन की, कितनी जल्दी हो रहा है। आगे आगे आपका नेसेसरी कंडीशंस टू स्टैंड एंड कैरी आउट रिएक्शन, अब कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल आपने बर्फ़ जमानी है, इसने ये बता दिया कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने पानी ले लिया, उसने बोला कि आपको पानी को एक बर्तन में भरना है और उसकी बर्फ़ जमाने के लिए रख दीजिए, तो किस चीज़ में रखना है इसने वो बताया नहीं, रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीज़र में रखना है। अब फ्रिज में रखना है इसने ये बता दिया है, ठीक है, पर ये नहीं बताया कि फ्रीज़र में रखना है कि नीचे वाले पोर्शन में रखना है जहाँ पे फ्रीज़र का काम नहीं होता है, जहाँ पे सिंपली फ्रिज होता है आपका। तो ये जो नेसेसरी कंडीशंस है वो आपको पता नहीं चल पाती हैं, और ये भी नहीं पता चल पाता है कि रिएक्शन की टाइप कौन सी, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, तो ये इसके बारे में भी आपको पता नहीं चल पाता है। तो उसने कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस दी हैं आपको, जिस तरह से आपको फास्फोरस जो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में टू गिव फास्फोरस पेंटोक्साइड, तो उसमें P4 कंबाइन कर रहा है 5O2 के साथ, तो इससे आपको क्या मिला 2P2O5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2×2 नंबर ऑफ P इस साइड पे कितना हो गया 4 एंड O का नंबर कितना हो गया इस साइड पे 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो P का नंबर ऑलरेडी 4 था और 5 का नंबर कितना हो गया, सॉरी आपकी ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ तो आपके पास 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके O ऑलरेडी 10 था, तो दोनों तरफ क्या है बैलेंस्ड है प्रॉपर ये। आगे अब सॉलिड मरकरी ऑक्साइड उसको हीट किया जाता है टू गिव लिक्विड मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस, तो इसमें क्या है आप मरकरी ऑक्साइड को कंबाइन कर रहे हो 2HGO को। अब 2HGO को अगर कंबाइन किया जाए तो अब HG आपके यहाँ पे कितने हो गए 2, आपका ऑक्सीजन हो गया 1, सॉरी आपके ऑक्सीजन भी 2 हो गए बिकॉज इसके साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो HG भी आपका 2 है और ऑक्सीजन ऑलरेडी आपका 2 है, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन क्या है बैलेंस। अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, जो आपकी नाइट्रोजन है वो कंबाइन कर रही है टू फॉर्म अमोनिया गैस, तो इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है आपके 6, ठीक है, और जो आपकी नाइट्रोजन है वो है 2। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन आपके 2 हैं और जो आपकी हाइड्रोजन है वो आपके 6 हैं, 2×3 कर दिया आपने यहाँ पे, तो ये हो गया 6। तो ये बैलेंसिंग काफ़ी इजी चीज़ है, आप आराम से सीख लोगे इसको। आगे सोडियम मेटल जो रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, उसके बारे में चेक करते हैं। Na आपके 2 हैं, ठीक है, इस तरफ H आपके कितने हैं 4 और O हैं आपके 2। और यहाँ पे अगर दूसरी तरफ आप देखें यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में तो Na आपका फिर से 2 हैं, अगर आप O की बात करें तो O भी आपके 2 हैं और H भी आपके 2 हैं यहाँ पे, और H यहाँ पे भी 2 हैं, तो H के केस में 2+2 4 हो गया। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपकी ऑलरेडी 2 नंबर में प्रेजेंट है, तो ये भी इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस्ड है। तो आगे क्या होगा, जो की पॉइंट्स हेल्पफुल हैं कुछ कैलकुलेशन में वो क्या है, अब जो एक मोल होता है 1 मोल उसको 1 मोलर मास कहा जाता है, और ये 22.4 लीटर ऑफ गैस जो होती है एस टी बी का मतलब होता है स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपका जो प्रेशर होता है वो 1 atmosphere माना जाता है, और जो आपका टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर माना जाता है स्टैंडर्ड, और ये होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इसकी इतनी वैल्यू होती है गैस की। आगे मोल जो है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल कैसे मिलता है? मोल का आपको इसमें मास जो होता है एक्चुअल मास उसको डिवाइड कर दिया जाता है मोलर मास के साथ। आगे जो मोल है वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचजीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। 22.4 लीटर पर मोल क्या है बेसिकली? आपकी जो वैल्यू है 10^1। तो आगे क्या? मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल किसके बराबर है? जो जितने मोलर मासेस हैं उनका सम कर दिया जाता है, जितने भी एटम्स हैं उनके मोलर मासेस का। तो इससे आपको मिल जाता है टोटल मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे H2O है आपके पास, तो अगर मैं बोल दूँ इसका आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो इस केस में आप क्या करते हो? इसका जो हाइड्रोजन है उसके एक मॉलिक्यूल का होता है मोलर मास 1, तो आपके पास 2 है, तो मोलर मास ऑफ H2 किसके बराबर हो गए? 2 × 1, तो ये 2 आ गया, ओके। अब O2 की O की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में एक एटम का जो मोलर मास होता है वो होता है 16, ठीक है, या फिर एटॉमिक मास भी इसको बोलते हैं। तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे? ऐड, तो आपके पास जो टोटल मोलर मास आएगा इसका वो 18 आएगा। तो इस तरह से आप टोटल मोलर मास निकाल लेते हो किसी भी मॉलिक्यूल का। तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है? आपके पास मोल्स दिए गए हैं, आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं K3PO4 के टू प्रोड्यूस 0.066 मोल, ताकि आप 0.066 मोल प्रोड्यूस कर सके KCl एज पर इक्वेशन, KCl एज पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसमें ये चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। तो कहते हैं लेट x बी द मोल ऑफ द K3PO4। अब कहते हैं आप मान लीजिए, अब जो x है वो आपका मोल है K3PO4 का, इसकी ज़रूरत है आपको, और साथ ही साथ जो x है वो 0.066 मोल के बराबर है। अब 3CaCl2 में देखा जाए तो उसके 2 मोल्स हैं यहाँ पे, तो अब इस केस में यहाँ पे 6 मोल हैं इसके, तो ये जो 2 नंबर लिखा गया इससे आपको पता चला ये 2 मोल्स हैं, ओके, और इसके 3 मोल्स हैं। तो यहाँ पे आपको कितने निकालना है? x की वैल्यू आपके पास कितने गिवन है? 0.066 मोल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज़ किया, x डिवाइडेड बाय 2 मोल इज इक्वल टू 0.066 मोल्स डिवाइडेड बाय 6 मोल। तो इससे आपको x की वैल्यू इस तरह से मिली और ये आपका आंसर आ गया रिक्वायर्ड। तो आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं? केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं, एक कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। रिडॉक्स में 2 आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में भी 3 तरह की आ जाती है, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड फोटो। आगे इसमें कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं जब दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करें, मतलब जैसे आपकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है तो ये आपका एलिमेंट वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अगर आपका कंपाउंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे आपका HCl हो गया वो एक कंपाउंड है, तो अगर वो दोनों कर रहे हैं कंबाइन तो वो आपका हो गया कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एलिमेंट या फिर आपका कंपाउंड भी रिएक्ट कर, दोनों कर सकते हैं आपस में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक एलिमेंट आ रहा है और एक आपका कंपाउंड, जैसे H2 आपका कंपाउंड हो गया, एलिमेंट जैसे O हो गया, ये दोनों कंबाइन करके H2O2 बना रहे हैं, तो वो इसकी कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की एग्जाम्पल हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, A+B सिंपली आप करते हो और आपके पास क्या आ जाता है, AB। इस तरह से आप सिंपली दो चीज़ों को कंबाइन करते हो टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स न्यू सब्सटेंस। आगे बात करते हैं व्हाट द रिएक्शन इज। ये रिएक्शन क्या है बेसिकली, दो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स दोनों कंबाइन करते हैं ताकि एक नई चीज़ बन सके। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम और सल्फर, ये दोनों आपके क्या हैं, एलिमेंट्स, तो ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं, तो CaS बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या, ये दो तरह के होते हैं, इसमें क्या हो सकता है, ए और बी आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ए और बी आपके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और ए शायद आपका एलिमेंट हो सकता है और बी आपका कंपाउंड हो सकता है। तो जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट एग्जांपल दीजिए जिसमें दोनों एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, जैसे H2 आपका एलिमेंट है, O2 भी आपका एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं जो आपका रिएक्ट प्रोडक्ट है। आगे जब दोनों कंपाउंड रिएक्ट करें, जैसे NH3 अमोनिया होता है और HCl, ये भी आपका क्या है, एक तरह का कंपाउंड, ये दोनों रिएक्ट करके NH4Cl बना रहे हैं। आगे क्या है, इसमें आप कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें आपका कंपाउंड एंड एलिमेंट दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब कंपाउंड एंड एलिमेंट में आपका क्या आ रहा है, कंपाउंड आपका जैसे CO हो गया एंड O2 इज योर एलिमेंट, ये दोनों कंबाइन करके आपका CO2 बना रहे हैं, एंड
दिस इज योर प्रोडक्ट अगेंस्ट जेड एन एंड टू सी एल. जेड एन आपका एटम हो गया एंड जो सी एल है वो आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया कंपाउंड. तो ये दोनों कंबाइन करके आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं. आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की ओर चलते हैं. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आप एक बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल NH4NO3, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड था, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसको आपने क्या किया, ये अपने कंपाउंड की स्पेलिंग गलत होगी, इन दोनों को क्या किया आपने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्प्लिट कर दिया दो सिंपलर कंपाउंड्स में. ठीक है, तो आगे चलते हैं. आपको यहाँ पे भी दी गई एग्जांपल, जैसे आपका अमोनियम, ये बेसिकली इसका फुल नेम जो है वो है अमोनियम नाइट्रेट. इसको अमोनियम नाइट्रेट कहा गया, इसको नाइट्रस एसिड ऑक्साइड कहा गया और इसको वाटर. आगे CaCO3 की भी आपको एग्जांपल दी गई है, इसको हीट किया और आपके पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन और CO2 गैस रिलीज होगी. तो आगे हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. अब जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इस तरह से होता है. इसकी एक फिगर आप देख सकते हो, ए और बी दोनों इकट्ठे थे पहले, आपने रिएक्शन के बाद इन दोनों को स्प्लिट कर दिया. मतलब कि इट इज़ ऑपोजिट टू योर फर्स्ट रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ऑपोजिट है. कॉम्बिनेशन में दो इंडिविजुअल चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इन चीज़ों को कंबाइन करके ये बना रहे हैं. पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा हो रहा है, इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके ये चीज़ बनाई जा रही है. ठीक है, तो आगे क्या है, ये तीन तरह के थे हमने पढ़ा था. एक थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल में आपकी हीट इस्तेमाल होती है, हीट की वजह से ये कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन करती है. जैसे 2HGO मरकरी ऑक्साइड, ये स्प्लिट कर जाती है आपके मरकरी और ऑक्सीजन में. आगे आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, जैसे पानी में से पास की, तो वो आपका स्प्लिट हो जाता है आपके H2 में, मतलब H2 और O2 में, मतलब दो एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है. तो ये हैं आपके एलिमेंट्स. ठीक है, तो आगे चलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है आपका, जैसे HClO, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरस एसिड. तो इस चीज़ को जब आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, मतलब फोटो का मतलब ये लाइट की वजह से हो रही है, तो सनलाइट की वजह से ये स्प्लिट हो गई आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे CH और L आएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट होगी. आगे है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन सबसे डिफरेंट है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें ए और बी, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी. ठीक है, और ये आपका सी तो है ही, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको पता नज़र आ रहा है कि नहीं, बट दिस इज़ योर सी. तो ए और बी एक कंपाउंड है, आपका सी जो है वो कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, और एलिमेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये कंपाउंड जब रिएक्ट करे या तो किसी और कंपाउंड के साथ और एलिमेंट के साथ, पर इस तरह से रिएक्ट करे कि इसका एक मॉलिक्यूल बेचारा निकल के इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ए को छोड़ के ये किसके पास भाग गया, इसके पास. ओके, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं. इसकी जो टाइप्स है, सबसे पहले दो तरह की होती है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ही जो आपका एक ही एलिमेंट होता है वही डिस्प्लेस होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो होते हैं. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपको एग्जांपल दी गई है Fe प्लस CuSO4. Fe का मतलब आयरन, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट. तो इसमें क्या होता है, ये बन जाता है FeSO4. अब जो आपका FeSO4 है वो है आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. अब जो कॉपर है आपका वो क्या हुआ, कॉपर बेचारा अपनी जगह से निकल गया और फेरस ने उसकी जगह ले ली. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जेड एन जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट के केस में भी सेम हो रहा है, जेड एन ने जगह ले ली कॉपर की. तो ये भी आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आगे आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड होते हैं. इस केस में एक एलिमेंट था, दिस वॉज अ एलिमेंट एंड दिस वॉज अ कंपाउंड, पर इसमें दोनों के दोनों कंपाउंड होते हैं आपके पास. ये भी सी है और ये भी सी है, कंपाउंड है. तो होता क्या है, ए बी प्लस सी डी था, तो ए बी में बी की जगह ले लेगा डी, मतलब डी ने चेंज कर दी इसकी जगह, और सी डी में डी की जगह कौन ले लेगा, बी. तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता है. इसकी एग्जांपल क्या है, FeS. FeS के केस में आपका क्या होता है, FeS ये एक आयरन सल्फेट है और ये कंबाइन कर रहा है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो आपके पास आता क्या है, FeH2 की जगह ले लेता है और H2 Fe की जगह ले लेता है. तो इस तरह से आपको रिएक्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं.
तो आगे कॉपर सल्फेट प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन की जगह कॉपर ले लेता है और कॉपर की जगह हाइड्रोजन, तो आपके पास H2SO4 आ जाता है और CuS. H2SO4 इज योर सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे क्या है हमारे पास, हमारे पास है लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन. अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स बेसिकली बना है आपके दो वर्ड से. आप देख सकते हैं रेड और ऑक्स मैंने अलग कर दिया है. जो आपका रेड वर्ड है वो आता है रिडक्शन से. रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें होती हों, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, उस रिएक्शन को बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. इन रिएक्शन में क्या किया जाता है, जब दो सब्सटेंसेस कंबाइन करती हैं तो एक होती है रिड्यूस, जबकि जो अदर दूसरी होती है वो ऑक्सीडाइज होती है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी फिगर देख सकते हैं. जैसे आपका Fe कंबाइन कर रहा है O2 के साथ, ठीक है, तो इसमें जो O2 है बेचारा ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और जिस चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होगी वो हो जाएगी ऑक्सीडाइज, पर जिस चीज़ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी वो हो जाएगी रिड्यूस. तो मतलब यहाँ पे जो बेचारी ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रही है, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे जो आपका फेरस है मतलब आयरन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज. तो ये प्रोसेस चल रही है यहाँ पे. आगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे सेपरेटली. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है सोडियम की. सल्फर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है तो सल्फर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है तो कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. आगे रिडक्शन की बात करते हैं. अब जैसे H2 कंबाइन कर रहा है O2 के साथ, तो इस केस में जो O2 है ऑक्सीजन है वो बेचारी रिड्यूस हो रही है. तो अब कॉपर ऑक्साइड के साथ आपका हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रहा है तो इस केस में जो कॉपर है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड, ठीक है, और जो आपका वाटर हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. तो मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस चल रही हैं. तो ये रिडॉक्स की आपकी और रिडक्शन की एग्जांपल होगी. अगर रिडॉक्स की बात करते हैं कंप्लीट, रिडॉक्स में क्या हो रहा है, अब ए प्लस ए एन ई एन, सॉरी ए आपको क्या दे रहा है, ए कंप्लीट, ए एन पॉजिटिव प्लस ए एन ई, ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट होता है आपका, तो ये आपका आयन होता है सिंपली. तो ये इससे आपको क्या मिलता है, ये बेसिकली जो ए है इनमें ये दो चीज़ें प्रेजेंट हैं. तो साथ ही साथ ये एक में तो ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसमें जो चीज़ स्प्लिट हो रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन में, प्रोटोन एंड मतलब किटायन एक ही है, ये है आपका एनायन और ये है आपका किटायन, सॉरी उल्टा हो गया, दिस इज़ योर एनायन एंड दिस वन इज़ योर किटायन. ठीक है, जो चीज़ किटायन में और एनायन में स्प्लिट करती है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन. पर जिस चीज़ में उल्टा होता है, मतलब आपके किटायन और एनायन दोनों कंबाइन करके क्या बना देती है, एक नया प्रोडक्ट जिसका नेगेटिव चार्ज हो उसको हम रिडक्शन कह देते हैं. सो उसमें हो क्या रहा है, जेड एन जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट और कॉपर क्या बना रहा है आपका, कॉपर. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सॉरी. अब जिंक इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस, ये इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड दिस इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये प्रोसेस है. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करें, मतलब ऑक्सीजन ऐड करें, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो ये पर अपने आप दूसरे को ऑक्सीजन दान करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो ये क्या करते हैं, ये इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं किसी भी एटम के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करे और जिससे खुद से रिमूव हो जाए उसको हम रिड्यूस कह देते हैं. जैसे Na प्लस हाफ Cl कंबाइन कर रहे हैं, तो इस केस में जो Na है वो बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन सारे किसको दे देता है, Cl को, ठीक है. तो यहाँ पे जो Cl है इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज बट Na इज़ गेटिंग रिड्यूस. तो आगे क्या है, Cl आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आपका Na वो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इस तरह से आप अपने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को समझ सकते हो. तो लास्ट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी, जो खुद ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे को, बट सॉरी, विच देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, मतलब ये खुद दूसरे के ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. और जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में Na ने रिड्यूस किया था Cl2 को, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, आपका Na, और Na खुद बेचारा ऑक्सीडाइज हो गया था. सो दिस इज योर रिएक्शन एंड दैट इज ऑल.